हरे कृष्णा। मिथिला में एक उदयन आचार्य नाम के बड़े विद्वान थे जिन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था। एक बार उन्होंने एक पुरुषोत्तम महात्म्य ग्रंथ में पढ़ा कि जो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब उन्होंने ये पढ़ा, उन्हें श्रद्धा तो थी उस बात पर, लेकिन पूरी तरह मन मानने को तैयार नहीं था कि केवल दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने सोचा, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। तो उसी दिन चल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। काफ़ी समय लगा उन्हें पहुँचते पहुँचते। रात को जगन्नाथ जी के मंदिर के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा रात्रि होगी, दर्शन बंद हो गए, अब मैं कल सुबह जगन्नाथ जी का दर्शन करूँगा। अगले दिन सुबह उठे वो, उन्होंने स्नान आदि किया और मंदिर के लिए चल पड़े। वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए द्वार पर खड़े हो गए। अभी मंदिर का पट खुला नहीं था, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी देखा एक पंडा आए, सारे पुजारी धीरे धीरे वहाँ आए, सब ने पट खोलने का प्रयास किया और जगन्नाथ जी का पट नहीं खुल रहा है। सब आश्चर्य में पड़ गए कि आज जगन्नाथ जी का द्वार क्यों नहीं खुल रहा है। बहुत सारे लोग एकत्र हो गए क्योंकि दर्शनार्थी आते जा रहे हैं। करते करते दिन बीतने लग गया। जो पुरी के राजा थे उन तक ये खबर पहुँची। उन्होंने जैसे सुना कि आज जगन्नाथ जी के पट नहीं खुले, वो भी तुरंत आ गए। फिर समझ नहीं आ रहा था सबको क्या कारण है आज जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं खुला। पूरा दिन उस दिन जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगा, किसी ने भी दर्शन नहीं किया और जगन्नाथ जी भीतर अकेले रहे। जब सब लौट गए, उसी रात्रि क्या हुआ, जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में गए। राजा से बोले कि एक उदयन नाम का एक व्यक्ति आया हुआ है जिसके मेरे शास्त्रों के प्रति विश्वास नहीं है, वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को अपने निकट नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कल पट नहीं खोला। जब तक वो पुरी से नहीं जाएगा तब तक मेरा दर्शन नहीं खुलेगा। अगले दिन राजा ने मुख्य पुजारी को बुलाकर दर्शन न खुलने का कारण बताया। मुख्य पंडा था, वो सभी पंडों को लेके उन उदयन आचार्य जी के पास गए। उनसे प्रार्थना की, कृपया आप जगन्नाथपुरी से चले जाएं। आपने भगवान की परीक्षा लेने का, उनके शास्त्रों पर विश्वास ना करने का अपराध किया है, जिस कारण हमारे भगवान आज भूखे हैं, तो आप कृपया करके यहाँ से चले जाएं। जैसे उदयन आचार्य जी ने ये बात सुनी, उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें पश्चाताप हुआ। एक मेरी वजह से कितने भाव से दूर दूर से भक्त जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आए थे, सबको दर्शनों से वंचित होना पड़ा। उन्होंने फिर कहा, इसका क्या उपाय है, क्या मैं प्रायश्चित कर सकता हूँ? तो सब पुजारी पंडों ने कहा, तो अब आप इसके लिए जगन्नाथ जी से ही क्षमा मांग सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो उदयन आचार्य जी ने भगवान के श्री मंदिर के बाहर से जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु मैं अत्यंत पापी हूँ, मेरी बुद्धि शास्त्रों के ज्ञान से अहंकार में मत्त हो गई, मैंने विश्वास नहीं किया, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए और अपना दर्शन दीजिए। तो उनकी जब हृदय से करुण प्रार्थना हुई, तो बहुत देर प्रार्थना के बाद स्वयं जगन्नाथ जी का पट खुल गया। तभी उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया और कृतार्थ हुए। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है वो अक्षरशः सत्य है, हमें उस पर बिना किसी शंका के विश्वास कर लेना चाहिए।